हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एट ऑनलाइन फोरम ऑफिशियल। तो दोस्तों, आज मैं आपको एक ऐसी भर्ती के बारे में बताऊंगा जिसकी सैलरी लगभग 63,000 है, यानी कि एक बार नौकरी मिल गई तो लाइफ सेट। तो देखिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के हम उस भर्ती के बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आगे आने वाली ऐसी भर्तियों की जानकारी आपके पास सबसे पहले मिल जाए। तो देखिए दोस्तों, ये जो भर्ती है ये डिस्ट्रिक्ट कोर्ट बालासोर ने निकाली है, और ये भर्ती स्टेनोग्राफर, जूनियर क्लर्क, टाइपिस्ट और सैलरी डैमिन के लिए होगी। तो देखिए दोस्तों, बगैर किसी देरी के इस भर्ती के बारे में बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों, मैं आपको सीधा नोटिफिकेशन पर लेकर आ रहा हूँ। सबसे पहले मैं आपको कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन दिखा देता हूँ। ये इस टेबल में आप देखिए, आपको कैटेगरी ऑफ पोस्ट के साथ पे स्केल और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज का डिस्ट्रीब्यूशन देखने को मिल जाएगा। तो अगर बात करते हैं सिंपली जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट की, तो देखिए आपका जो पे लेवल होगा वो लेवल 4 का होगा, यानी कि लगभग 19,000 से लेकर 63,000 तक आपकी सैलरी हो सकती है। साथ में दोस्तों, यहाँ पर एससी की 2 वैकेंसी, एसटी की 1 वैकेंसी, एससी बीसी की 3 और यूआर की यानी कि जनरल की 12 वैकेंसी निकली हुई, यानी कि टोटल जो है 25 जो वैकेंसी निकली हुई है। इसके बाद देखिए दोस्तों, अगर बात करते हैं सिंपली जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट की, तो यहाँ पर भी आपकी जो सैलरी है वो सेम रहेगी। यहाँ पर टोटल पोस्ट 5 निकली हुई है दोस्तों। अब इसके बाद आगे चलकर आप सैलरी या मेड की पोस्ट भी पढ़ सकते हैं। तो आप इस भर्ती को देख सकते हैं आराम से, कैटेगरीज वाइज वैकेंसीज और डिस्ट्रीब्यूशन आपको दिया हुआ है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, सीधा एलिजिबिलिटी का अगर हम बात करते हैं, तो आपके पास इंडिया की नागरिकता होनी चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपको 12th पास होना चाहिए अगर आप जूनियर क्लर्क, कॉपिस्ट, स्टेनोग्राफर या फिर जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट के लिए भरते हैं, यानी कि आपके पास +2 डिग्री होनी चाहिए उड़ीसा हायर सेकेंडरी एजुकेशन एक्ट के तहत। साथ ही दोस्तों, आपके पास कंप्यूटर का डिप्लोमा भी होना चाहिए। और अगर उम्र की बात करते हैं, तो आपकी उम्र का कैलकुलेशन 27 अगस्त को होगा, और इस दिन दोस्तों आपकी उम्र जो 18 से लेकर 32 के बीच में होनी चाहिए, यानी कि जो 27 अगस्त है इस दिन आपकी उम्र जो है वो कम से कम 18 साल और मैक्सिमम 32 साल होनी चाहिए। और दोस्तों, अगर आप रिजर्व कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपको उम्र में छूट भी मिल जाएगी। जैसे अगर आप एस सी एस टी या फिर एस सी बी सी से बिलोंग करते हैं तो आपको 5 साल की, अगर आप फिजिकल हैंडीकैप हैं तो आपको 10 साल तक की छूट मिल सकती है। और दोस्तों, एक इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर यह है कि आपको उड़िया जो भाषा है वो स्पीक, रीड और राइट, यानी कि लिखनी, पढ़नी और बोलनी आनी चाहिए। आपका करेक्टर अच्छा होना चाहिए, फिजिकली आप मेंटली आप फिट होने चाहिए। साथ ही दोस्तों, आपकी यहाँ पर स्पीड भी ना देखी जाएगी, आपके कंप्यूटर पर स्पीड कितनी है तो आप इसे पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद अगर सैलरी डैमिन की बात करते हैं, तो यहाँ पर भी दोस्तों बिल्कुल सेम प्रोसेस रहेगा। हालांकि यहाँ पर आपको केवल मैट्रिकुलेशन का एग्जाम की सर्टिफिकेट देखी जाएगी। अगर आपके पास मैट्रिकुलेशन का सर्टिफिकेट है तो आप इसे भर सकते हैं। साथ ही दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर, यानी कि रेवेन्यू इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का जो है डिग्री आपके पास होना चाहिए। उम्र की दोस्तों आपकी सेम रहेगी, आपकी उम्र 27 अगस्त को कैलकुलेट होगी, और इस दिन आपकी उम्र 18 से लेकर 32 के बीच में होनी चाहिए। आपकी जो कंप्यूटर की एप्लीकेशन के बारे में जानकारी होनी चाहिए, और इसके बाद जो प्रोसेस है वो बिल्कुल सेम रहेगा। अगर दोस्तों फीस की बात करते हैं, तो देखिए अगर आप जनरल ओबीसी कैंडिडेट हैं तो आपको मात्र 100 रुपये फीस देनी होगी, और ये फीस भी दोस्तों आपको ट्रेजरी चालान से पे करनी होगी। ट्रेजरी चालान को मैं आपको बता देता हूँ, 0070 अदर एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस 501 सर्विस एंड सर्विस फीस, यहाँ पर कुछ एड्रेस दिया हुआ, तो इसके हिसाब से आपको फीस पे करनी होगी। लेकिन दोस्तों, अगर आप एससी और एसटी कैंडिडेट हैं तो आपको फीस देने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, आपको बताया गया है कि आपको आने जाने के लिए कोई भी टीए या डीए नहीं दिया जाएगा, यानी कि अगर आप एग्जाम के लिए जाते हैं तो आपको कोई भी टीए डीए नहीं दिया जाएगा। अगर आपका जो फॉर्म है जो आप भेजते हैं उसको डिफेक्टिव पाया गया या फिर इनकम्प्लीट पाया गया, तो आपका फॉर्म जो रिजेक्ट हो सकता है, यानी कि आपको फॉर्म जो अच्छे से फिल करना होगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में बताया गया। तो अगर आप जूनियर क्लर्क या कॉपिस्ट के लिए भरते हैं तो ये पार्ट होगा आपका एग्जाम की स्कीम। ये यहाँ पर आपका टोटल 3 पार्ट दिखाए गए हैं। पहले पार्ट में इंग्लिश, अर्थमेटिक और जनरल नॉलेज के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि 100 मार्क्स के होंगे। साथ में यहाँ पर आप टाइम ड्यूरेशन भी देख सकते हैं। इसके बाद आपका प्रैक्टिकल टेस्ट होगा, यानी कंप्यूटर साइंस टेस्ट। इसके बाद आपका वाया वॉइस होगा, यहाँ पर टोटल आपको 45 मार्क्स मिल जाएंगे। और अगर आप से जूनियर स्टेनोग्राफर के लिए भरते हैं तो यहाँ पर भी उसका पूरा एग्जाम स्कीम दिया हुआ, आप इसे पढ़ सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप जूनियर ग्रेड टाइपिस्ट के लिए भरते हैं तो भी आपके टोटल 4 पार्ट होंगे, इसमें इंग्लिश, इसके बाद टाइप टेस्ट, इसके बाद प्रैक्टिकल और वीओ, आप इसे देख सकते हैं। और दोस्तों, अगर आप सैलरी एडमिन के लिए भरते हैं तो यहाँ पर दोस्तों एक डिफरेंस है जो पार्ट 2 में होगा। यहाँ पर दोस्तों आपको टेक्निकल नॉलेज इन सर्वे एंड सेटलमेंट प्रैक्टिकल के बारे में पूछा जाएगा, जो कि टोटल 100 मार्क्स का होगा, और आपको 1 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आपको बिल्कुल सेम रहेगा। और दोस्तों, अगर सिलेबस की बात करते हैं, देखिए सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है सिलेबस। तो अगर मैं सिलेबस की बात करूँ तो सिंपली अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो आपको इंग्लिश में एक ऐसे लिखना है, और साथ ही दोस्तों एक लेटर भी लिखना होगा। और एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है, इंग्लिश टू उड़िया ट्रांसलेट करनी है, और एक इंग्लिश पैसेज को उड़िया भाषा में ट्रांसलेट करना होगा।
और दोस्त अर्थमेटिक की बात करते हैं तो आपको सभी पता है ये जो अर्थमेटिक तो नाम ही अर्थमेटिक है, तो केवल अर्थमेटिक से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जैसे सिंपली एच सी एफ, एल सी एम, इंटरेस्ट और सिंपल कंपाउंड, प्रैक्टिस परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस मिक्सचर्स, प्रॉब्लम ऑन टाइम, वर्क ऑन टाइम, डिस्टेंस, ये सभी क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो आपसे कॉमन नॉर्मल क्वेश्चन पूछे जाएंगे, डेली करंट अफेयर्स है या फिर हिस्ट्री या पॉलिटिकल ज्योग्राफी इनसे रिलेटेड। और साथ ही दोस्तों अब बात करते हैं कंप्यूटर साइंस टेस्ट की, तो यहाँ पर आपसे फाइल ट्रांसफर, स्किल टू प्रिंट एंड सेव, फोटोग्राफ, इन सब के बारे में आपसे पूछा जा सकता है। और साथ ही दोस्तों वाया वॉइस जो टेस्ट होगा इसमें आपके अलर्टनेस, जनरल आउटलुक, इन सभी से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। लास्ट डेट की बात करते हैं तो दोस्तों आपकी जो लास्ट डेट होगी वो होगी 27 अगस्त, यानी 27 अगस्त से पहले आपका जो एप्लीकेशन लेटर है वो डिपार्टमेंट के पास पहुँच जाना चाहिए। अगर जगह की बात करते हैं तो ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट बालासोर, 756001, ये है आपका एड्रेस। मैं आपको एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, ऑफिस ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जज बालासोर, 756001, इस एड्रेस पर आपका जो लेटर है वो 5 बजे से पहले पहुंच जाना चाहिए। अगर इसके बाद आपका लेटर पहुंचता है तो आपका लेटर रिजेक्ट होने के चांस ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अब इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ और पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे अगर सिंपली बात करते हैं आपके पास जो एनवेलप होगा उसमें आपको 3 सेल्फ साइंड रिसेंट कलर्ड पासपोर्ट फोटो जो है गजेटेड ऑफिसर अटेस्टेड करके उसमें डालनी होगी, साथ ही आपके बोर्ड सर्टिफिकेट्स जितने भी हैं, आपके मार्कशीट यानी कि कंप्यूटर डिप्लोमा के या फिर 12th की मार्कशीट है, हायर एजुकेशन का अगर आपके पास मार्कशीट है तो आप वो भी डाल सकते हैं। और इसके बाद देखिए दोस्तों आपको कास्ट सर्टिफिकेट भी आपको डालना होगा, सेल्फ अटेस्टेड फोटो ऑफ आइडेंटिटी कार्ड, स्पोर्ट्स पर्सन अगर आप स्पोर्ट्स पर्सन से बिलोंग करते हैं तो आपको उसका आइडेंटिटी कार्ड भी डालना होगा। अगर आप एक्स सर्विसमैन से बिलोंग करते हैं, कैटेगरी से फिल करते हैं, तो एम्प्लॉय टैक्स चेंजमेंट रजिस्ट्रेशन आपको फिल करना होगा। साथ ही दोस्तों आपकी नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी आपको डालनी होगी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों जो लास्ट पॉइंट है सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको एक सेल्फ डिक्लेरेशन डालना होगा जो कि नीचे चलकर हमें मिल जाएगा। अब इसके बाद अगर अमीन की बात करते हैं तो दोस्तों यही सभी डॉक्यूमेंट्स आपको इसमें अमीन में भी डालने होंगे। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों यहाँ पर एक थोड़ा सा डिफरेंस बताया गया है, जैसे मैं आपको बता दूं पॉइंट नंबर 4 देखिए दोस्तों यहाँ पर आपको बताया गया आपका जो रेवेन्यू ट्रेनिंग इंस्पेक्टर ट्रेनिंग का जो सर्टिफिकेट है वो भी आपको एप्लीकेशन लेटर के साथ अटैच करना होगा। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो जितने डॉक्यूमेंट्स है सारे सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए, यानी इन पर आपके सिग्नेचर होने चाहिए। अब इसके बाद आगे चलकर देखिए दोस्तों आपको बताया गया कि अनसाइंड एप्लीकेशन यानी जिन एप्लीकेशन पर आपके सिग्नेचर नहीं हुए तो उन्हें रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपको यहाँ पर बताया गया है कि आप जो है डिपार्टमेंट के ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इस एप्लीकेशन लेटर को डाउनलोड कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फोरम्स पर जाकर इस भर्ती का एप्लीकेशन लेटर है उसे बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों आपका जो एप्लीकेशन लेटर होगा उस पर आपको अपना व्हाट्सअप नंबर और मेल आईडी लिखना होगा ताकि डिपार्टमेंट आपसे कॉन्टैक्ट कर सके। तो दोस्तों ये थी इस भर्ती के बारे में पूरी जानकारी। अब इसके बाद देखिए दोस्तों मैं आपको सेल्फ डिक्लेरेशन वाला जो फॉर्म है वो दिखा देता हूँ। तो ये है आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का फॉर्म यानी एनेक्जर 1। यहाँ पर आपको अपना नाम, आपके पिता का नाम, आपकी उम्र, आपका रेजिडेंस और साथ ही डिस्ट्रिक्ट लिखना होगा। और इसके बाद देखिए दोस्तों यहाँ पर नीचे चलकर आपको परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस लिखना, अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो दोनों लिखेंगे, अदरवाइज आप सेम एड्रेस भी लिख सकते हैं। इधर आपको डेट, पैलेस और मोबाइल नंबर और वैलिड मेल आईडी लिखनी होगी, यहाँ पर दोस्तों आपके सिग्नेचर होंगे। तो ये था आपका सेल्फ डिक्लेरेशन का सर्टिफिकेट। अब इसके बाद देखिए दोस्तों आपको फॉर्म कैसे फिल करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे ये जो है ये है एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क कॉपिस्ट, जूनियर स्टेनोग्राफर एंड जूनियर टाइपिस्ट, अगर आप इन पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको ये जो ये फॉर्म है ये फिल करना होगा। फॉर्म ए, फॉर्मेट ऑफ एप्लीकेशन, तो देखिए शुरू में आपको नेम ऑफ कैंडिडेट, इसके बाद आपके फादर या फिर हस्बैंड का नेम, आपका सेक्स, आपका मैरिटल स्टेटस, परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस मैंने आपको बताया गया है। अगर आपके पास 2 एड्रेस हैं तो दोनों फिल कर सकते हैं, अदरवाइज एक एड्रेस से काम चल सकता है। यहाँ पर दोस्तों आपको अपनी रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटो फिल करनी होगी, तो आपके फोटो जो है ज़्यादा पुराने नहीं होने चाहिए और सेल्फ अटेस्टेड होने चाहिए। साथ ही दोस्तों मैं आपको बता दूं ये जो पूरा फॉर्म है ये आपको इंग्लिश में फिल करना है, हिंदी में फिल नहीं करना है, साथ ही कैपिटल वर्ड्स का यूज करना, छोटे वर्ड्स का यूज नहीं करना, अदरवाइज आपका फॉर्म जो है रिजेक्ट हो सकता है। इसके बाद देखिए दोस्तों आपकी एज पूछी गई है 27/8/2021 को, यानी कि इस दिन आपकी उम्र कितनी होगी। आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल है उसमें कैलकुलेटर से कलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी उम्र कितनी होगी, कितने ईयर्स के होंगे, कितने मंथ्स के होंगे, कितने डेज के होंगे। अब इसके बाद देखिए दोस्तों अगर एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर आपके जो डिटेल है वो पूरी लिखनी होगी, बिल्कुल सही डिटेल आपको लिखनी होगी, आपके डॉक्यूमेंट से मैच होने चाहिए, यानी कि 10th आपने कब की, इसके बाद +2 आपने कब की और साथ ही कंप्यूटर साइंस का डिप्लोमा आपने किस कब किया, किस यूनिवर्सिटी से किया, कौन सी ईयर में पास हुए, टोटल मार्क्स यानी कि कितने मार्क्स के आपके एग्जाम हुए थे और आपने कितने मार्क्स जो है स्कोर किए, साथ ही आपका ग्रेड या डिवीजन क्या था और टोटल परसेंटेज जो है, ये पूरे कॉलम आपको बिल्कुल सही भरने हैं दोस्तों, सेफली कॉलम भरने, अदरवाइज आपका जो फॉर्म है रिजेक्ट हो सकता है।
कॉलम नंबर 10 में आपकी कैटेगरी पूछी गई है। अगर आप जर्नल से लिखते हैं तो यहाँ पर सिंपल जर्नल लिख देंगे। अगर आप दूसरी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो साथ में उसका जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स है यानी कास्ट सर्टिफिकेट, तो वो भी लगाना होगा। और दोस्तों 11 जो पॉइंट है इसमें आपके फिजिकल हैंडीकैप के बारे में पूछा गया। अगर आप फिजिकल हैंडीकैप है तो यस लिखेंगे, अदरवाइज नो लिख देंगे। और दोस्तों उसका जो सपोर्टिंग मेडिकल सर्टिफिकेट है वो भी आपको अटैच करना होगा अगर आप यस लिखते हैं। इसके बाद आपका रिलीजन पूछा गया और नेशनलिटी पूछी गई है। रिलीजन हिंदू और नेशनलिटी जो इंडियन होगी। इसके बाद अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एम्प्लॉय टैक्स चेंज रजिस्ट्रेशन नंबर भी आपको लिखने होंगे। साथ ही जो पॉइंट 15 है ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर आपको दो करेक्टर सर्टिफिकेट डालने होंगे जो कि गैजेटेड ऑफर से अटैच होंगे। इसके बाद आपके जो ट्रेजरी चालान है उसका नंबर और डेट भी आपको यहाँ पर लिखना होगा। अब इसके बाद यहाँ पर देखिए दोस्तों डिक्लेरेशन दी गई है, आपको ये पढ़ लेनी है। इधर आपके सिग्नेचर होंगे और इधर आपको डेट और प्राइस लिखनी होगी। तो दोस्तों ये जो पूरा फॉर्म था ये था एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ जूनियर क्लर्क, कॉपीस्ट और जूनियर स्टेनोग्राफर और जूनियर ग्रेड के लिए। अब बच गए हमारे सैलरी एमिन के लिए। तो सैलरी डमीन का भी मैं आपको यहीं पर बता देता हूँ। देखिए ये जो है ये आपका सैलरी डमीन का है। हालांकि दोस्तों इसमें बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं है, केवल एक पॉइंट को छोड़कर ये जितने पॉइंट है हमने पहले कवर कर लिए हैं। तो देखिए दोस्तों जो डिफरेंस है वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर ये डिफरेंस है आरआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यहाँ पर आपको दोस्तों आरआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट की जो डिटेल है वो डालनी है। ऊपर आपको 10वीं का सर्टिफिकेट, नीचे आपके कंप्यूटर नॉलेज की जानकारी, बीच में ये जो डब बॉक्स बन गई है आरआई ट्रेनिंग सर्टिफिकेट। यहाँ पर आपने ये जो सर्टिफिकेट है यानी कि जो ट्रेनिंग है ये किस बोर्ड से की थी, कौन सी ईयर में पास की थी, टोटल कितने मार्क्स के आपके एग्जाम हुए थे और टोटल आपने कितने मार्क्स स्कोर किए थे, आपका ग्रेड डिवीजन और साथ में टोटल परसेंटेज ऑफ मार्क्स जो है आपको यहाँ पर फिल करना होगा। ये जो बीच का कॉलम है ये आपको थोड़ा ध्यान से फिल करना है। अब इसके बाद आप बाकी जो बच गया वो बिल्कुल सेम रहेगा, तो आप इसे पढ़ सकते हैं। तो दोस्तों ये थे पूरा फॉर्म दोनों, आप इसे अच्छे से देख सकते हैं और मैंने बच्चे बता दिया। आई होप कि आपको सभी पॉइंट्स क्लियर हो गए होंगे। लेकिन फिर भी दोस्तों अगर आपको कोई डाउट बचा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और दोस्तों ये जितने भी एप्लीकेशन लेटर हैं यानी कि अगर आप दोनों एप्लीकेशन लेटर फिल करना चाहते हैं तो दोनों फिल कर सकते हैं, लेकिन उसकी फीस दोस्तों अलग अलग लगेगी। और ये जो एप्लीकेशन लेटर दोस्तों आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट ऑनलाइन फॉर्म्स पर भी बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी पूरी जानकारी भर्ती की। अगर आप एप्लीकेबल हैं, एलिजिबल हैं तो आवेदन कर सकते हैं। और दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें ताकि आगे आने वाले सभी अपडेट्स आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। साथ ही दोस्तों आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं जिसके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जय हिंद, जय भारत।